इसको स्काल्प वेन भी बोलते हैं, स्काल्प वेन सेट, इन्फ्यूजन सेट भी बोलते हैं। और इसके अलग अलग साइज आते हैं, साइज 22 नंबर की है, इससे बड़ी साइज आती है लेकिन नंबर में बड़ी रहेंगी और वो छोटी रहती है, वो 24 नंबर की आती है, ब्लू कलर की, ये ब्लैक कलर की है। ये अपन डे केयर में ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं, डे केयर में मोस्टली यूज़ होती है, क्योंकि ये यूज़न थोड़ा समझ लीजिए इसको, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहती, ज़्यादा इसको ज़्यादा हमको 2 से 3 दिन तक पेशेंट को रखना है या ज़्यादा आई वी लगाना है तो उसको अपने इंटरक चाहिए। इसमें भी डेट ऑफ एक्सपायरी डेट वगैरह रहती है, जैसे अप्रैल 2025 की डैश नंबर, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन भी देवा है, तो सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। इस तरह इसका पैक आता है, अच्छी तरह स्टरलाइज पैक रहता है, इस तरह इशारा कर रहा है, इधर से हमको इसको निकालना होता है, इस तरह से आसानी से रिमूव कर, इस तरह से फिर इस तरह अंदर की पैकिंग आती है इसको, इस तरह फिर इसका अपन ये ओपन है इसका, इसको अपन बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश हमको समझ में नहीं आएगा अगर हम बंद कर रखेंगे तो, ब्लड का फ्लैश हमको रखना, ये ओपन रखना पड़ेगा। और इसको इस तरह बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, बट इसमें टच नहीं करने का, फिर इसको इस तरह पकड़ने का तरीका ये है, ये जो दिख रहे आपको हमको अंदर इंटर करना है नीडल को, और इस तरह इसको ऐसा पकड़ना है, ये तरतीब है उसकी, आप जब देखेंगे तब अच्छे समझ जाएंगे, ये डालते हैं वीडियो की क्लियरिटी अच्छी होगी। मिट्टी पैक का सबसे पहले जहाँ लगाना है वहाँ जगह को स्टरलाइज करना चाहिए, दम से लगा ये स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, लापरवाही एक मिनट, लापरवाही से बहुत तकलीफ हो सकती है। ये वेन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, वेन डिटेक हो गई, ये हमारी चॉइस है, हम कहीं से भी वेन ले सकते हैं, इधर भी वेन है, इधर भी अच्छी खासी वेन है, बट अपनी चॉइस है, ये मेरी वेन, इधर हमको प्रेशर देना है, प्रेशर देने से टॉर्निकेट कर सकते ताकि वेन अच्छे से डिटेक्ट हो, इसको ऐसा पकड़ना जैसे हमने बताएं और इसको इस तरह से क्लोज करें। हाँ बेटा लो वो दरवाज़ा खोल लो, छोड़ दो तुम सिर्फ, बाकी मैं कर लूँगा, ये देखो दिख रहा है ना क्लोज आ रहा है ना, आ जाओ लगे इधर लो, ऊपर से ये इस तरह से ये रहेंगे, सिर्फ एक बार ऐसा टच करने के बाद इसको जब फ्लैश आ जाता है फिर स्ट्रेट भी जाने के, देखो फ्लैश भी आ गया, ब्लड भी आ गया, फास्ट ब्लड आ जाता है, इसको कैप लगा दिए और इसके बाद स्टिकिंग लगा देंगे, इसको जो उसका कर्व है या उसके एंड है उस पर खास कर लगाएं, फिर उसके बाद इस पर भी लगा दें ताकि शिवरिंग वगैरह के चांस नहीं रहते, ये अच्छे से होने के बाद इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह कनेक्ट कर दिए, छोड़ दिए, इधर भी अच्छे से चलेगी, लगाने के बाद फिर भी श्योर कि यहाँ पर कोई सेलिंग वगैरह तो नहीं आएगी, बराबर कनेक्ट है, फिर आईवी पे अगर हम ध्यान देंगे तो आईवी भी बराबर चालू है, फिर इसको हम पेशेंट की सिचुएशन के डिहाइड्रेशन वगैरह तो उसमें तो फास्ट देना पड़ता है, बट ये सिचुएशन अगर फीवर वगैरह तो हमको स्लो देना पड़ता है, फिर अभी ये मैं इंजेक्शन पुश कर रहा हूँ, कुछ इंजेक्शन पुश करने वाले होते हैं, कुछ स्लाइन में डालने वाले होते हैं, इसको मैं आईवी पुश कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमको आईवी को बंद करना होता है जो उसका फ्लो है, फिर यहाँ से इसको थोड़ा हल्के से डिस्कनेक्ट करना है और इधर पकड़ के रहा ताकि इसकी एयर ना जाए, फिर स्लोली हम लोग को इसको कनेक्ट करके घुमा कर स्लोली पुश करना होता है, पुश करते वक्त भी ध्यान रखना है कि इधर कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, कुछ इंजेक्शन ऐसे आते इसको बहुत स्लोली पुश करना पड़ता है, किसी को हम फास्ट भी कर सकते हैं,
ये होने के बाद फिर से हमको इसको पकड़ के रखना है ताकि प्रेस अंदर हवा ना जाए, एयर ना जाए, फिर इस तरह से निकाल कर फिर कनेक्ट कर देना है। ये फिर से ये ब्लड आ गया है, ब्लड हमेशा जो आता है फ्लैश, इसका मतलब ये तो ये बराबर वेन में इंटर है, जिसको हमको जो भी आगे का है इंजेक्शन वगैरह जो भी डालना है वो उसमें डाल सकते हैं। इसके इंजेक्शन जिसमें हम लोग एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक डाल रहे हैं सेफ्ट्रिक्सोन, उसके भी सारी चीज़ें हम चेक कर लें, इसकी जो डेट है वो एक्सपायरी वगैरह की तो नहीं है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद इसको पहले अच्छे से बना लें। ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर इस तरह से इसमें लेकर फिर इसको ये बीच की जो जगह होती है थोड़ी नरम होती है, इसको पुश करती है हल्के से, फिर इसको अच्छे से मिलता है, थोड़ा अच्छे से शेक करने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर इस तरह से लगाकर बन गया, फिर इसको स्लोली इसमें छोड़ देते हैं। ये मल्टी विटामिन है, जो भी सिचुएशन है पेशेंट को सिचुएशन के हिसाब से इसको दिया जाता है। एम्पुल कैसा फोड़ते हैं उसके क्या है मैंने उसके पर ऑलरेडी क्लिप बनाया, आप देख सकते हैं। आप अपने हाथों से भी फोड़ सकते हो, इस तरह से मिलेगा। ये जो खाली जगह बिल्कुल इसको अपने को रखना है,